जननी जन्मभूमि स्वर्गदपि गरीअसी। हेलो एवरीवन, आपण समस्तंक पई सप्तम श्रेणी रो हिंदी ताहाकु आज आम नहीं आसीचु आपण मानक पई। तबे एहाकु बुझिबा, एही कविता यह मेरा वतन यार अर्थ कौन ना एही मोर जन्मभूमि, एही कविता रे कवि कौन बताइबाक चेष्टा करछन देखिबा। आउ ए कवि नाम कौन ना ए कवि नाम हूँ स्मरप्रिया मिश्र। यह मेरा वतन कवि का नाम क्या है ना स्मरप्रिया मिश्र। हेतु रख पाने देखा यह कविता को आ बुझाक चेष्टा करवा। मुक्त गगन हे मुदुल पवन धूप सुनहरी सुहाना मौसम, चमकता चांद तारे चमचम, यह भारत देश यह मेरा वतन। अर्थात जिस देश में मुक्त गगन है, जो देश में मुक्त आकाश अच्छी, जिस देश में मुदुल पवन बहता है, जो देश में मलया पवन बहुची, जिस देश में धूप सुनहरी और सुहाना मौसम है, जो देश में कौन ना सुनहरी सूर्य किरण पड़ुची, ता सहित समस्त को सुहाइला भली ऋतु परिवर्तन होची बा ऋतु बहुची, चमकता चांद तारे चमचम, जो देश में रात्रि आकाशे बा चंद्र और तारा माने छम छम होई झलसु जती, यह है मेरा भारत देश, यह है मेरा वतन। आ सही होची मोर जन्म माटी, सही होची मोर भारत माटी बा सही मोर जन्मभूमि बुझिला। तापर देखिबा आमे सेकंड स्टंजा को। हम धीर बीर दिव्य संतान, नहीं मन में तानिक अभिमान, परवाह नहीं हो मान अपमान, दे शांति मैत्री प्यार का दान। हम क्या है, हम धीर वीर और दिव्य संतान है भारत माँ के, और अपने मन में क्या नहीं है, हमारी मन में तानिक भी अभिमान नहीं है, हमार मन में कौन टिक्के मध्य अभिमान गर्व नहीं, परवाह नहीं हो मान अपमान, हमें किसी का भी परवाह नहीं है, किसी भी मान अपमान का परवाह नहीं है। क्या करने के लिए ना दे शांति मैत्री प्यार का दान, हम मैत्री प्यार और शांति का दान देने के लिए हम किसी को भी परवाह नहीं करते, अपना मान अपमान भी देखते नहीं। तभी हम क्या देने को चलते हैं ना शांति मैत्री और प्यार का दान देने को चलते हैं, सभी को ये सब हम देते हैं, तभी तो हम सबसे महान है, हम भारतीय सबसे महान है। उसी के बाद देखो, हर मानव को अपना मान, दुनिया को बना कुटुंब समान, हम हर मानव को पृथ्वी के हर मानव को अपना मानते हैं और दुनिया को कुटुंब के समान मानते हैं, और दुनिया को हम कुटुंब को बनाने, एक कुटुंब के जैसा एक परिवार जैसा बनाने के लिए हम सदैव प्रयत्न करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, यही नारा कहार आम भारतर नुह कि निडर तत्पर अचल चट्टान, बनाते चले नए कीर्तिमान, हम निडर है और तत्पर भी है और अटल चट्टान की भांति हम खड़े हैं शत्रु के सामने, और ऐसे ही हम शत्रु को हटाकर, शत्रु को अपने मातृभूमि से अलग करके हम नए नए कीर्तिमान बनाते जा रहे हैं। आज हम विकसित भारत के ऊपर चल रहे हैं, है कि नहीं? तो आज हम किसके लिए है, सटीक लक्ष्य से निडर तत्पर होकर हम आज कीर्तिमान बनाने जा रहे हैं, ठीक है? तापरे लास्ट चांजा देखो। खतरबे हो गर अपनी आन, नौछावर कर दे अनमोल प्राण, अगर अपनी आन और अपनी जन्मभूमि खतरे में है, तो हम क्या नौछावर करने को भी तैयार रहते हैं ना अपने अनमोल प्राण को भी नौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। अगर अपनी जन्मभूमि खतरे में है, तो अपनी अनमोल प्राण को भी नौछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं। मातृभूमि के हित मेरे यार, जिए हम मरे भी बारंबार,
अपनी मातृभूमि के हित के लिए हम बार बार मरने को तैयार है, बार बार जीने के लिए भी तैयार है, यही बात कवि ने कही है। तो कवि का नाम क्या है? स्मरप्रिया मिश्र है। तो इस कविता के जरिए हमें क्या शिक्षा मिला, आए जानेंगे बाद में। देखो